आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मार्केट में गिरावट आई और इसके साथ ही मौके भी खुले हैं कई सारे ऐसे स्टॉक्स के जो सही लेवल्स पे आ रहे हैं और उसमें आप पोजिशनल ट्रेड या पोजिशनल इन्वेस्टमेंट बना के बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्टॉक का नाम आप देख सकते हो ऋषा मिनरल्स के नाम से है और इसमें आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग जो है आपकी 50% के ऊपर की, इंश्योरेंस कंपनीज, FPIs हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक, ये सब भी इसमें होल्ड करते हैं। स्टार इन्वेस्टर्स में आप देख सकते हो LIC हो गया आपका, क्रिएट कैपिटल सर्विसेज हो गया, इंडियन बैंक भी इसमें होल्डिंग रख रही है। ये कंपनी के वेबसाइट पे आ गए, जैसा कि आपको नाम से पता ही चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ आपकी इंडिया कंपनी है ये, और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ स्टील एंड माइंस में है, और जैसा कि आप देख सकते हो मिनरल्स और इन सब का ही काम करती है। बाकी डिटेल्स आप कंपनी की वेबसाइट में भी देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कंपनी का 52 वीक हाई जो है 3800 के ऊपर का है और 52 वीक लो जो है 2000 का है, तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से काफ़ी डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। देखिए इसमें ट्रेड किस तरह से लेना है, इसमें आप जैसे कि देख सकते हो जो स्टॉक है ये कई बार जो है 2640-2650 के आसपास से इसने सपोर्ट लिया है। आपको क्या करना है, जो बिल्कुल कम रिस्क लेना है 100 रुपये का एकदम स्टिक स्टॉप लॉस ले सकते हैं 2650 के आसपास आता है, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं उनको 2700 रुपये के आसपास जब आता है तो उनको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी है, ताकि बार स्टॉक जो है वहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से भी रिवर्स हो जाता है। तो सिंपली आप नीचे जैसे भी थोड़ा ऐड कर लिए, अगर ऊपर गया तो अच्छी बात है, अगर नीचे गया तो मैक्सिमम आपको ऐड करना है वो 2700 रुपये के आसपास से और 2650 की रेंज में ऐड करना है, और आपको 3000 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर 3000 रुपये तोड़ के टिकता है तो उसको आप होल्ड करिए, 3300 के आसपास प्रॉफिट बुक करिए, मतलब वहाँ पर निकल जाइए। तो आप अपनी वॉच लिस्ट पर रख लीजिएगा, इस स्टॉक में एक बढ़िया मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, और जो लोग ट्रेड करते हैं वही इसमें पोजिशन बना के रखें, और अपना रिस्क मैनेजमेंट वगैरह जरूर रखिएगा, और चैनल पे करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे। एक चीज़ और है कि जैसे आप देखते हो कि एकदम से पैनिक सेलिंग अभी आई आज की मार्केट में, तो आप मोस्टली ध्यान करिए कि उन सब शेयरों में फोकस रखिए जो अभी 52 वीक हाई से, ऐसा नहीं हो कि 52 वीक लो बहुत छोटा है और अभी एकदम से हाई रेंज पर ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप खासकर ये देखिए कि ऐसा तो नहीं कि आप कोई बहुत ज़्यादा हाई पे ले रहे हो, एक चैनल ट्रेड हो रही हो, रेंज में फॉर्म कर रहा हो, तो आप लोअर रेंज का वेट करिए और अपर रेंज में शेयर को सेल करिए। थैंक यू।